हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल ब्रह्म में। और ये पर्यावरण के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे ईवीएस के या साइंस के क्वेश्चन है। इसमें किसी भी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको यदि आपको आते हैं तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए और जांचिए कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं, ठीक है। यदि नहीं आते हैं तो आपको मैं आंसर भी बताता जाऊंगा, तो एक तरीके से टेस्ट टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को जैविक इकाई किसने माना है? परिवार को जैविक इकाई किसने माना है, यानी कि ये इलिट और मैरिल थे, इलिट और मैरिल थे, इन्होंने परिवार को जैविक इकाई कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, जो सभी आए हुए क्वेश्चन है, किसी भी सी टेट या टेट या यूपी टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं केबीएस वगैरह के, तो इनका लेवल मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। यदि आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आते हैं तो आप इनको देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो ऑप्शन ए काली मिर्च, ये बीज है, आप लोग जानते हैं। सौंफ, ये भी बीज है। साबुदाना बीज नहीं है, गेहूं भी बीज है। साबुदाना आर्टिफिशियल चीज है ना, इसको बनाया जाता है, ये बीज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि साबुदाना। अब थर्ड क्वेश्चन है कि नेपेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर रख सकता है। भारत में यह पौधा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है यह पौधा भारत में? आंसर घा जो फोर्थ नंबर का, ये सही है, मेघालय में, ठीक है ना। ये जैसे कीटवच्ची पौधा है, एक कीटवच्ची और भी पौधे अपने नाम सुने होंगे, वो कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर बंद कर लेते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े उनके पास जाते हैं, उनका ढक्कन बंद हो जाता है, कुछ इस तरीके से उनकी संरचना होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे इनका ढक्कन होता है। यहाँ पर यदि कोई आके बैठ जाता है ऐसे, तो ये ऊपर से ढक्कन जो है बंद हो जाता है और इसमें ये फंस जाते हैं, जिससे बाद में इनका डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सेरिकल्चर जो है वो संबंधित है? सेरिकल्चर फूल से संबंधित है? नहीं है। वन उत्पाद से? नहीं है। उर्वरक से? नहीं है। सिल्क से? सिल्क यानी कि रेशम कीट पालन जो होता है, रेशम कीट पालन होता है, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना, सिल्क। फाइव क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? यानी कि इसका सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। जहां तक आपको याद होगा 1970 में ये सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, वृक्षों के काटने के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन 1970 में। इस आंदोलन में क्या था कि और भी कुछ नेता थे, तो इन्होंने क्या किया था, इसमें इसकी खासियत ये थी कि इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था इस आंदोलन में, और पेड़ों से चिपक गई थी वो, गवर्नमेंट के खिलाफ जो पेड़ काटे जा रहे थे, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं बीटी, क्वेश्चन नंबर 6 है, बीटी कपास है। बीटी कपास एक पौधे का नाम है, और ये पौधा जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आंसर बी इसका सही है, ट्रांसजेनिक पौधा है ये, ठीक है। इसको क्या एक जैसे कलम करते हैं ना, तो उस तरीके से इसकी एक प्रजाति है ट्रांसजेनिक, ठीक है ना। इसको इसमें क्या है कि पौधे में जो परागण होता है वो स्वतः हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, भारत में सर्वाधिक कौन सा फल पाया जाता है? तो वो है आम का, मैग्नीफेरा इंडिका, इसका जीव वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम है, ठीक है ना, मैग्नीफेरा इंडिका, जो भारत का राष्ट्रीय फल भी है, ठीक है। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार किसे कहते हैं? देखिए, परिवार जिसमें माता पिता तथा बच्चे हों, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसको एकल परिवार बोलते हैं। केवल पति पत्नी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चे भी होते हैं एकल परिवार में। संपूर्ण परिवार जिसमें माता पिता दादी हो, इसको भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1950 के बाद बना परिवार, ये तो ऐसे ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किंग्सले डेविस के अनुसार कौन सा परिवार का प्रकार नहीं है? किंग्सले डेविस थे, उन्होंने बताया था परिवार का प्रकार क्या नहीं है। प्रजनन है, रिप्रोडक्शन यानी कि ये तो होता है परिवार में बच्चे पैदा करने के लिए। समाजीकरण भी होता है, यानी कि सोशलाइजेशन को बोलते हैं सोशलाइजेशन। भरण पोषण भी होता है, ठीक है ना, लेकिन मनोरंजनात्मकता ये कोई प्रकार नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉर्गन ने कौन से परिवार को पुनः लोहन परिवार कहा है? मॉर्गन थे, उन्होंने कौन से परिवार को पुनः लोहन परिवार कहा है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही इनका लेवल अच्छा है, तो आप इनको ढंग से देखते रहिए। समूह विवाही जो है, समूह विवाही, इसको मॉर्गन ने पुनः लोहन परिवार कहा है, ठीक है ना। अगली स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो काली मिट्टी जो है ये मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाई जाती है ना,
ये कपास के लिए सही होती है और मूंगफली के लिए। लाल मिट्टी है, ये भी कम जगह पर पाई जाती है। जो सर्वाधिक क्षेत्र पर है वो है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, और ये गंगा यमुना के मैदान में उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में इधर पाई जाती है, ठीक है ना। नदियों द्वारा बहाई गई जो मिट्टी होती है, बांगर खादर, ठीक है ना, जो बनाई जाती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है पराग कोष में, ठीक है ना। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? आप लोग बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जाइलम और फ्लोएम दो चीजें होती हैं। तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, और जाइलम के द्वारा ही स्टेम यानी कि तना पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो भारत में 21.05% भूमि पर वन है, लेकिन जो एक मान्यता के अनुसार, पर्यावरण की मान्यता के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना अनिवार्य रहता है? 33% भूमि पर, 33% भूमि पर वन होना चाहिए, ठीक है ना, पर्यावरण के अनुसार। लेकिन हमारे भारत में 21.5% तक वन है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में रबी की फसल कौन सी है? देखिए, रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जैसे चना होता है, ठीक है, गेहूं वगैरह होते हैं, तो इसमें चना जो है वो रबी की फसल है, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? देखिए, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है रामदेव मिश्रा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, मिश्रा जो है, मिश्रा के और भी ऑप्शन है, राम बिहारी मिश्रा भी है, राम किशोर मिश्रा भी है, राजेंद्र सिंह है। तो रामदेव मिश्रा, आप ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा नाम याद कर लें, आप पूरा नाम याद कीजिए, रामदेव मिश्रा। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के, इनको जनक बोला जाता है भारत के अंदर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी, यानी कि सबसे पहले संकल्पना किसने दी थी पारिस्थितिकी तंत्र की? वो दी थी टॉन्सले ने, ठीक है ना, किसने दी थी? टॉन्सले ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जैविक समुदाय जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो ये मांसाहारी जो होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। उसके बाद मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? मनुष्य ह्यूमन बॉडी की जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो प्रयोगशाला है वो लीवर को बोलते हैं, यकृत को, यानी कि लीवर को, ठीक है ना। डेंगू रोग का वाहक क्या है? देखिए, डेंगू रोग जो है वो एडीज मच्छर से होता है, घरेलू मक्खी से सिफिलिस नामक बीमारी होती है, एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया नामक होता है, क्यूलेक्स मच्छर नामक होता है, लेकिन एडीज मच्छर जो है इससे डेंगू नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट, आगे और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो यदि आपको पसंद आई हो क्लास तो इसको